साधु की पुत्री। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे ना केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल वैष्णव से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी, वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादू मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझाव दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊँचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देव से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे हैं, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझमें भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखती ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं, यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादू मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।